उदयपुर में जिला प्रमुख और पंचायत समिति में प्रधान के निर्वाचन के लिए गुरुवार को मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन राम देवड़ा ने बताया कि जिला प्रमुख के निर्वाचन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो वहीं तमाम पंचायत समितियों में मतदान दलों को मुस्तैद कर दिया है। चेतन राम देवड़ा ने बताया कि सुबह नाम निर्देशों के बाद नामांकन वापसी का समय देने के साथ ही सिंबल वितरण किया जाएगा और आवश्यक होने पर मतदान होगा। कलेक्टर ने बताया कि जिले में जिला परिषद सभागार में जिला प्रमुख के निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, तो वहीं पंचायत समितियों में ही प्रधान के निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जिला प्रमुख और सारी पंचायत समितियों में प्रधान के चुनाव होंगे, इसके लिए जो निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी किया है उसके हिसाब से इसकी बैठक 10 बजे होगी और नाम निर्देशन पत्र जो है 11 बजे तक दिए जा सकेंगे। 11:30 बजे तक उनकी स्क्रूटनी होगी और 1 बजे तक नाम निर्देशन पत्र वापस लिए जा सकते हैं और उसके तत्काल बाद सिंबल अलॉटमेंट होगा। और अगर कहीं ज़रूरत होती है, 1 से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, तो 3 बजे से 5 बजे के बीच में उनकी काउंटिंग होगी और उसके तत्काल बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इसके लिए जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं जिला परिषद और पंचायत समिति के, उनको विधिवत रूप से सूचित कर दिया जा रहा है और आपके माध्यम से भी मैं अपील करूँगा कि वो लोग जो है निर्धारित समय पर इन बैठकों में पधारें। इधर भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद सदस्य जो चुनाव जीते हैं उनको बाड़ेबंदी के बीच ही शपथ दिलवाने के लिए लाया गया और शपथ ग्रहण करने के बाद प्रमाण पत्र लेकर यह सभी विजय प्रत्याशी पुनः बाड़ाबंदी में लौट गए। इधर कांग्रेस के विजयी प्रत्याशियों ने भी शपथ ली है। हाँ, जो लोग निर्वाचित हुए हैं सारे पंचायत समिति मुख्यालय पर तो संबंधित आरओ द्वारा उनको शपथ दिलाई जा रही, जो जिन्होंने कल शपथ नहीं ले पाए थे या अनुपस्थित थे और उनको उनके जो निर्वाचन का प्रमाण पत्र और बाकी दस्तावेज उनको जो आयोग के निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं। जिला परिषद में तो निर्वाचित सदस्य हैं उनमें कुछ लोगों को तो कल शपथ दिला दी थी और बाकी लोगों को आज शपथ दिलाने का कार्यक्रम चल रहा है और उनके जो भी निर्वाचन प्रमाण पत्र और बाकी दस्तावेज उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं।